अब ऐसे में अखिलेश यादव जो हैं वो भी एक्टिव हो गए हैं। नजूल जमीन विधेयक को लेकर योगी सरकार को अखिलेश यादव भी घेर रहे हैं। उन्होंने तो आरोप लगा दिया कि नजूल जमीन विधेयक दरअसल बीजेपी के कुछ लोगों के व्यक्तिगत फायदे के लिए लाया जा रहा है, जो अपने आसपास की जमीन को हड़पना चाहते हैं। अखिलेश ने नजूल बिल को लेकर एबीपी न्यूज की खबर को सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया है। तो विधान परिषद में फंस गया नजूल संपत्ति बिल, ये खबर एबीपी न्यूज की, और बाकायदा एबीपी न्यूज की इस खबर को सोशल मीडिया पर देखिए शेयर किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का ये जो सोशल मीडिया का पोस्ट था इसको रीट्वीट भी किया। मैं सीधे आपको लेकर चलती हूँ, हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन भी इस वक्त मौजूद हैं। मोहम्मद मोइन, ये अखिलेश यादव जिस तरीके से उनकी एंट्री इस पूरे मामले में हुई है और जिस बात का जिक्र कुछ देर पहले अभिषेक उपाध्याय कर रहे थे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधान परिषद, विधानसभा में भी इसको लेकर विरोध के सुर थे, और वो कहाँ से सुनाए जा रहे थे, वो सुनाई पड़ रहे थे प्रयागराज वाले क्षेत्र से, जहाँ पर डिप्टी सीएम जो अपने केशव प्रसाद मौर्य हैं उनका दबदबा माना जाता है। तो कुल मिलाकर ये वो सियासी फॉल्ट लाइन बीजेपी के भीतर की, बीजेपी वर्सेस बीजेपी की, जहां वार अखिलेश यादव की तरफ से करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यूपी की योगी सरकार नजूल लैंड का जो एक्ट लेकर के आई हुई है उसका सबसे ज्यादा असर प्रयागराज में पड़ना है। प्रयागराज शहर की अगर हम बात करें तो पूरा एक तिहाई शहर वो नजूल लैंड पर बसा हुआ है। 1 लाख से ज्यादा मकान है, 5 लाख से ज्यादा की आबादी नजूल लैंड पर बने हुए मकानों में रहती है। तो निश्चित तौर पर जब से ये एक्ट आया हुआ है तब से लोगों की नींद हराम हो गई है, लोग परेशान हैं, उन्हें इस बात की आशंका सता रही है कि कभी भी उनपे बेदखल किया जा सकता है, कभी भी उनके घरों पर बुलडोजर चल सकता है। हमारे साथ तमाम लोग हैं, जल्दी जल्दी इनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। बताइए किस बात का डर सता रहा है आपको? डर इसी बात का है सर कि यहाँ पे जो है जमीनों को एक्वायर किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इतने सालों से लोग पट्टाधारी लोग हैं, और ये भी नहीं है किसी की जमीन को मकान और कब्जा करके रखा गया है। हम लोग की अपनी खुद की जमीन है, खुद का मकान है, और हम लोग योगी सरकार से यही अपील करेंगे कि वो जो है इसको जो है सबका, सभी जनता का जो है फ्री होल्ड करे, क्योंकि यहाँ पे जितने लोग हैं सब। जी जी बिल्कुल, देखिए ये बैंक से रिटायर्ड मैनेजर हैं और जब से ये एक्ट आया है तब से बहुत ज्यादा परेशान है। किस बात का डर सता रहा है आपको? सर हमको अगर इस समय निकाल दिया जाए कहीं और ले जाए तो मैं बसूंगा कैसे? इन लोगों को अगर यही करना था तो जिस समय मैं गया था रजिस्ट्री ऑफिस रजिस्ट्री कराने के लिए, उसी समय इन लोगों को मना कर देना चाहिए तो मैं कहीं और निपट जाता। इन लोगों ने रजिस्ट्री की फीस भी ली, रजिस्ट्री दफ्तर में हुआ, सरकारी दफ्तर, और पूरा पूरा स्टैम्प ड्यूटी इन लोगों ने लिया। ये कौन सा तरीका है? आप उस समय मना करते मैं कहीं और चला जाता। और बताइए हम लोगों से 25% इन लोगों ने फ्री होल्ड का चार्ज। बिल्कुल, अभी तक सरकार ने कुछ नहीं कहा है कि किसी को हम बेदखल कर देंगे या किसी की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल देंगे, उसके बाद क्यों डर लग रहा है आप लोगों को? जो कि जिस तरीके से न्यूज पे और रोज न्यूज पेपर पे आ रहे नोटिफिकेशन कि ये हम लोग ऑलरेडी 25% जमा कर चुके हैं, उसके बाद भी हमें डर लग रहा है। हम रेगुलर सब टैक्सेस देते हैं, हम विदाउट कोई टैक्सेस अनलीगल नहीं रह रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें यहाँ की गवर्नमेंट अथॉरिटी ऑलरेडी थ्रेटन कर रही है कि मे बी आपकी जमीन जा सकती है। तो ये सर हमें डर सता रहा है। बिल्कुल, सीएम योगी आदित्यनाथ से कुछ कहना चाहेंगे, अपना कोई दर्द साझा करना चाहेंगे, कोई मांग करना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि हम लोग इतने सालों से रह रहे हैं, करीब 30-35 साल से, अगर हम लोग को इस तरह बाहर अगर कर दिया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे छोड़ कर? तो इसलिए हम लोग की पूरी फाइल वाइल हर चीज जमा है फ्री होल्ड उसके लिए। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जिससे आप लोग ये फ्री होल्ड का प्रोसेस पूरा करवा दें। क्या चाहते हैं आप बताइए, क्या नाम है आपका, क्या चाहते हैं? नाम मुकेश मिश्रा है। चाहते हैं कि इस फैसले को तत्काल विड्रॉ किया जाए, इस फैसले को, क्योंकि यहाँ बहुत लोगों का फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, जिताने की दिक्कत हो जाएगी। चाहते हैं वापस ले? बिल्कुल, इसको वापस जाना चाहिए और जनता के हित में करना चाहिए, क्योंकि सारी जनता जो है बीजेपी का ही सपोर्ट करती है और बीजेपी के एक क्षेत्र में और बीजेपी के सारे वोटर्स हैं। यहाँ रोक रही हूँ आपको,